अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं जो हमसे हूँ वो एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आपने डेवलप करना है तो आपको लाजमी ये लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से ज़्यादा जो उनसे हैं सब्जेक्ट जो उनसे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस करते हैं। लेकिन अगर आप अगर सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको प्रीवियस सेमेस्टर में आपको सबसे पहले वो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लाजमी पढ़ाते हैं। तो अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी साथ लेके चलूँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, या वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, फंक्शन कैसे बनाने हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर YouTube ओपन करें, YouTube ओपन करने के बाद आप लिखें ऊपर लर्निंग, LernING, लर्निंग टेक, और उसके बाद आप आए प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में यहाँ पर देखें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अगर आप इसको विजिट करें तो इसमें बिल्कुल चंद वीडियोज़ हैं, देख लें 13 से 14 वीडियोज़ हैं और ये 8 8 7 7 5 5 मिनट की हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तो आपको मेन पता चल जाएगा कि ये चीज़ है क्या। बेशक आप इसको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो अब आपको क्या है कि थोड़ा बहुत इसके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिकली प्रोग्राम हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें और उसमें मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और देन फिर आप किस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर आए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप डायरेक्टली भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए वो मैं यूज़ कर रहा हूँ Dev C++, ठीक है। तो आप इसको सिंपल जो उनसे है वो गूगल पे जाके अगर आप लिखो डाउनलोड Dev C++, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो वीडियो का है कैसे आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना इंस्टॉल करना है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, एंड पे मैंने आपको बताया है हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Dev C++, ठीक है। तो इसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं इसको साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा जो आपके इंटरव्यूज़ में और आपके एग्जामिनेशन में जो आपके आ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आप जब भी कोई प्रोग्राम Dev C++ में लिखते हो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो, यूजिंग नेम स्पेस STD, सबसे पहले आप ये लिखते हो। और फिर आप क्या लिखते हो, हेडर फाइल्स होती हैं कमेंट में करके आप हेडर फाइल लिखते हो, ठीक है। तो हेडर फाइल बेसिकली क्या होती है कि उसके अंदर कुछ जो फंक्शन होते हैं बिल्टिन, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ये तरीका होता है Dev C++ में किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। तो INCLUD इंक्लूड, हैश इंक्लूड, तो आगे एंगल ब्रैकेट्स में IOSTREAM STREAM, ठीक है, IOSTREAM, ठीक है, IOSTREAM। तो ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर कुछ फंक्शन है सीन सी आउट के जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मेन, ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी आउट लिखता हूँ, ठीक है, CoUT सी आउट, CoUT सी आउट, और यहाँ मैं लिखता हूँ अगर वेलकम टू पाकिस्तान, ठीक है, और इसको कंपाइलर रन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको देखें कि ये यहाँ पे शायद चल रहा है, ये देखें वेलकम टू पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो ये असल में सी आउट फंक्शन किस में, इस हेडर फाइल में। अगर मैं इसको कमेंट करूँ, देखिए मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट में क्या होता है कि जो कमेंटेड फाइल हो जाती है जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता। अब देखो कंपाइलर रन करता हूँ तो अब देखो कह रहा है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर। असल में बेसिकली सी आउट किस में फंक्शन लिखा हुआ है, वो आयो स्ट्रीम जो हेडर फाइल है, जो मैंने फाइल लगा इसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि वाज नॉट डिक्लेयर, वो कह रहा है ये मुझे पता ही नहीं क्योंकि मैंने कमेंट किया हुआ है। अब मैं अगर इसको कमेंट हटाता हूँ, अब इस फाइल को इंक्लूड करेगा, तो ये सी आउट फंक्शन बेसिकली कहाँ लिखा हुआ है, आयो स्ट्रीम एक फाइल है उसके अंदर लिखा हुआ है, और उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि इस फंक्शन को मैं यूज़ कर सकें, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ असल में बेसिकली हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें क्लासेस होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो मेन डेटा टाइप होती है इंटीजर है, फ्लोट है, एरे है, ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास कुछ होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, जो कि पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देती है। लेकिन हम अगर हम अपना एक डेटा टाइप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें जो स्ट्रक्चर है वो क्लासेस का है। तो क्लासेस बेसिकली क्या हैं, क्लास, ठीक है, क्लास इज अ यूज़र डिफाइन डेटा टाइप, ठीक है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है जिसमें अपनी मर्जी से हम एक जो डेटा टाइप है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह इंटीजर है, इंट जे फॉर एग्जाम्पल,
अब ये क्या है, ये ऑलरेडी हमें दी गई है एक बिल्ट इन डेटा टाइप, लेकिन अगर हम अपनी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्लासेस चाहिए। तो क्लासेस क्या, यूजर डिफाइंड डेटा, क्योंकि उसको यूजर खुद डिफाइन करता है। अब इंट है, डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ये सारी वो डेटा टाइप्स हैं जो कि पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपको दी है। अगर आप अपनी डेटा टाइप बनाना चाह रहे हो तो आपको क्या चाहिए, क्लासेस। तो क्लासेस आपको एक चीज़ प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी डेटा टाइप बना सकते हो, ठीक है। जिस तरह आप रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसको हम अपनी मर्जी से उसकी एक डेटा टाइप बना के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे जी, अब फॉर एग्जाम्पल हम बनानी है क्लास, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा पे हम क्लास बनाते हैं। तो हमें क्या करना, मेन से पहले यहाँ पर एक कीवर्ड लिखते हैं क्लास। देखिए जैसे ही मैंने कीवर्ड लिखा, ये क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया, ठीक है, क्लास। और यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास पर्सन एक ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास का क्या नाम है, पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे दो ब्रेसेस और आखिर में यहाँ सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, लाजमी सेमी कॉलन यहाँ पे आएगा, नहीं तो ये एरर देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके करके चेक करता हूँ, कंपाइल करके, कोई एरर तो नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे कंपाइल हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली कंपाइल। दोबारा मैं देखता हूँ, कंपाइल, हाँ जी कंपाइल हो गया, ठीक है। कोई एरर आता तो यहाँ पे ये मुझे शो करता, ठीक है। तो ये बेसिक सेंटेक्स है क्लास बनाने का, ठीक है। तो ये इस तरह हम क्लास, अब इसको जो आगे डिटेल्ड है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्लास हम किस तरह बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसमें आगे आपको इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी इसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।